हर शहर की कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन इसे एक अलग पहचान से दिखलाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष बाबू। आज हम आपको दुबई शहर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं दुबई शहर में। आप लोग कैश निकालने के लिए एटीएम में जाते होंगे, पर आपको पता है कि दुबई में एटीएम से सोना निकलता है? ये बात सच है, दुबई के एटीएम से सोना निकलता है। सोना निकालने के लिए लोग कैश और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन का नाम है दुबई गोल्ड वेंडिंग मशीन। इनका इतना ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि हफ्ते में 2 बार मशीन को भरना पड़ता है। दुबई में घोड़ों को तमाम सुविधाओं के बीच में रखा जाता है। वो मार्बल के फर्श पर रहते हैं। उनके ऊपर जो छत होती है वो भी खास डिजाइन के साथ तैयार की जाती है। घोड़ों को इस तरह से दुनिया की कोई और देश भी नहीं रखता है, अमेरिका भी नहीं। रेगिस्तान में स्कीइंग करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और जब बात हो यूएई की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन दुबई में यह संभव है। इसके लिए इंडोर स्की रिजॉर्ट मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट भी यहाँ पर स्थित है, जिससे लोगों को एक अलग ही अनुभव मिलता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि अधिक तापमान वाली इस जगह में पेंगुइन देखने को मिलते हैं, लेकिन केवल इंडोर स्की रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट इतने ठंडे होते हैं कि पेंगुइन को अपने घर जैसा ही लगता है। लोग इस जीव को देखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। आपको जानवर में कुत्ते और बिल्ली पालने का शौक होगा, पर दुबई के लोगों को शेर और चीते पालने का शौक है। अगर उबेर या ओला बुक करें तो बुगाटी आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? लेकिन दुबई में ये भी संभव होता है। यहाँ कई बार बेसिक उबेर एक्स को ऑर्डर करने पर लग्जरी गाड़ी आ जाती है। दुबई दुनिया का एक ऐसा अकेला शहर है जहाँ ये संभव है। दुबई में एम्बुलेंस दुनिया की सबसे तेज गति वाली मानी जाती है, जो देखने में काफी स्टाइलिश भी होती है। इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिससे घायल या बीमार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, ताकि उसे वक्त पर रहकर बेहतर इलाज मिल सके। हर जगह अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं, ऐसा ही कुछ दुबई में भी है। अमीर और गरीब के बीच के इस अंतर को खत्म करने के लिए भी कई कदम उठाए जाते हैं। यहाँ गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए फ्रिज लगाए जाते हैं, जिनमें मुफ्त खाना होता है। मई और जुलाई के दौरान दुबई का तापमान 50 से 55 डिग्री पहुंच जाता है, लेकिन दुबई की सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एयर कंडीशन शील्ड दिया है। आप सोच रहे होंगे एयर कंडीशन शील्ड क्या है? एयर कंडीशन शील्ड एक बस शील्ड है जो दुबई की सरकार अपने पब्लिक को देती है। दुबई मॉल दुनिया की सबसे बड़ी मॉलों में से एक है। ये 12 मिलियन वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके 1200 से अधिक स्टाफ भी हैं। 26 सिनेमा स्क्रीन और 120 से अधिक कैफे और रेस्टोरेंट भी हैं। आप वजन कम करने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी का भी वजन कम करने का योजना है तो दुबई आदर्श जगह है। अजीब लगता है ना, दुबई सरकार अपने नागरिकों को 2 किलोग्राम वजन कम करने के लिए इनाम के रूप में 2 ग्राम सोना देती है। क्या आपको पता है कि दुबई में नो इनकम टैक्स है? अक्सर बहुत अट्रैक्टिव सैलरी के अलावा जब आप दुबई में अपना पैसा कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। यह बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्रिमिनल एक्टिविटी 0% है। जरा सी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में खुद को शामिल करना आपको जेल में डाल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी अपनी सुझाव भेजिए। क्या आपको पता है कि वहाँ पे सड़कें नहीं है, सिर्फ पानी है? तो लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। नहीं तो आपको ये पता है कि वहाँ के गांव में सिर्फ बौने ही रहते हैं? नहीं तो राइट वाला वीडियो क्लिक कीजिए।